हे hey, कैसे हैं सारे के सारे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और हमारी वीडियोस देख रहे होंगे। यार अब तो आपको वीडियो देख के मजा आ रहा होगा, अब तो काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सी वीडियोस आने वाली है। अब आपके दिमाग में होगा कि यार आज विवेक क्या बताने वाला है, आज ऐसी कौन सी चीज विवेक बताने वाला है जिससे पूरे मार्केट के अंदर तहलका मच जाएगा, जलजला मच जाएगा और बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। थंबनेल देख के और टाइटल देख के आपको शायद वीडियो के बारे में समझ आ गया होगा कि यार हमेशा आपने देखा होगा वीडियोस के अंदर बताया जाता था। नई बाइक है हमारी, ये बाइक है, इसके अंदर आप देखेंगे हमेशा की तरह हमने नए जोड़े डाल रखे हैं टायर के, जो कि बिल्कुल नए हैं, ब्रांड न्यू टायर्स हम डालते हैं। आज मैं आपको उस ब्रांड न्यू टायर्स की स्टोरी बताने वाला हूँ कि कैसे आपको बनाया जाता है, उन ब्रांड न्यू टायर्स के बारे में आपको बता के, एक्चुअल में होते वो ब्रांड न्यू ही है बट फिर भी आपको बनाया जाता है। अब वो कैसे बनाया जाता है भाई, वो बताना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, बट यार बतानी तो बनती है। और शायद आप लोग अगर सपोज आगे जाके यूज सुपर बाइक लेते हैं तो आप लोगों को इस चीज के बारे में पता भी होना चाहिए। सो गाइज, यूजुअली क्या होता है, हम जब सुपर बाइक खरीदने जाते हैं या कोई भी बाइक खरीदने जाते हैं, जो डीलर्स होते हैं, जो दलाल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको बाइक दिखाते हैं, ये हमारा नया जलजला आया है, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही साफ है, साफ सुथरी बाइक है, बिल्कुल देखिए आप, टायर्स नए हैं, इंजन अभी सर्विस कराई है, ये हुआ है वो हुआ है। तो अब बात आएगी टायर्स की, तो टायर्स अगर आप देखते हैं तो यार वो होते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू। हम टायर्स को वैसे तो देख लेते हैं कि यार वो बिल्कुल ब्रांड न्यू दिख रहे हैं, बट हम जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग ईयर है, जो डेट है, उस पर ध्यान नहीं देते। अब इस कहानी में ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट जो मैं आपको लोगों को समझाने वाला हूं, वो चीज ध्यान से सुनना। हर लाइफ की, हर टायर की यूजुअली लाइफ होती है, दैट इज अबाउट 4 इयर्स, 5 इयर्स, 6 इयर्स, इससे ज्यादा की लाइफ नहीं होती। एंड जैसे जैसे पुराना होता जाता है रबर, ऐसे 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 उस पर क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, वैसे वैसे ही वो आसानी से फट जाता है, उस पर आसानी से पंचर हो सकते हैं क्योंकि वो कंपाउंड खराब होना शुरू हो जाता है। सो यूजुअली क्या होता है, अब जो टायर आपका 2015, 16, 17, 18, 19, 20 चल रहा है, तो 16, 17, 18, 19, 20 में बना, तो ऑब्वियसली बात है हर साल जो गया, अगर वो नया का नया टायर भी पड़ा है, हर साल के हिसाब से उसके जो रेट है वो कम होते जाते हैं। सपोज एक हम हायाबूसा के टायर लेके चलते हैं, तो हायाबूसा के ऑलमोस्ट फ्रंट बैक दोनों की जो जोड़ी आती है, दैट कॉस्ट यू अबाउट गुड 20-22,000 रुपीज। बट अब इसमें बट आ जाता है, बट ये अगर आप उस पर 2016, 17, 18 की जोड़ी लगा देते हैं, सपोज आप 2016 की जोड़ी लगा देते हैं, पन्नी बैक जोड़ी बड़ी है पर है तो 2016 की, तो अगर आप उसके अंदर 2016 की जोड़ी लगा देते हैं तो आपको वही टायर 5-7 हज़ार रुपये में मिल जाते हैं, दोनों दोनों। बट ये आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है भाई, आप चल रहे हो 200 पे, टायर फट जाए फिर क्या करेगा, कौन जिम्मेवार होगा उसका, बात तो आपके ऊपर हो जाएगी भाई, आप गलत चला रहे होगे तभी टायर फटा। बट एक्चुअलिटी में ये कोई नहीं बताएगा कि हम इस पे 5 साल पुराना टायर लगा के बैठे हुए हैं। सो यार ये चीज आप लोगों को जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, आपको दिखाया जाता है कि टायर्स नए लगे हैं, ये है वो है, वो सारा पैसा आपसे ही लूटा जाना है वापस। तो अगर सपोज 15-5 हज़ार रुपये के टायर ले भी लिए, 6 हज़ार के टायर ले भी लिए, तो नए टायर करके आपसे वो 10-15 हज़ार रुपये फालतू ले लिए जाएंगे, प्लस एक सामने वाले को तसल्ली होती है, अबे यार नया टायर लगाया। अब आप एक चीज और भी सोचोगे कि बाइक बिकी 5 हज़ार किलोमीटर पे, एक बंदे ने चलाई 7 हज़ार किलोमीटर, 2 हज़ार किलोमीटर पे फिर नई जोड़ी टायर डल गया। अब वो नई जोड़ी इसलिए डाल दिया क्योंकि पता है भाई उस टायर की औकात नहीं थी इतनी और वो कभी भी फट सकता है, तो इट्स बेटर कि आप नया टायर जोड़ी डाल दो। नए टायर आपने डालने कौन से, वही 2015-16 मॉडल के आपने टायर डाल देने। अब आप टायर डाल दोगे, बाइक बिल्कुल चमकती हुई ब्रांड न्यू दिखेगी, फुल गुड्डी के साथ चूतिया बना दिया ना फिर आपका। तो भाई अब शायद इस वीडियो के बाद हो सकता है लोग ये सब चीजें करना बंद कर दें, और इसके ऊपर हो सकता है लोग वीडियोस भी दिखाएं कि भाई देखो हमने नई टायर की जोड़ी डाली है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग ईयर है, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है। तो यार हो सकता है इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाए और लोग जो आपका चलाना बराते थे पहले, वो चीज आपके साथ ना हो। तो यार अगर आपने एक पुरानी सुपरबाइक खरीदी और किसी ने आपको चिपकाया है कि यार इसमें हमने नई जोड़ी डाली है, तो उस पे जाके मैन्युफैक्चरिंग ईयर और डेट जरूर देखेगा। ईयर और डेट पता कैसे चलेगी, पता चलेगी, अभी अभी हमने केटीएम के नए टायर डाले हैं, तो मैंने तो पूरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग ईयर और डेट चेक करी थी, मैंने उस वीडियो में बताया था, बट शायद आप लोग मेरी वीडियो तो देखते हो नहीं,
तो अब देखते नहीं हो तो यार अब पता भी नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा तो फिर मजा नहीं आएगा। तो इस वीडियो में चलते हैं क्योंकि शायद ये वाली सीरीज तो दुनिया देख रही है, और ये वाली सीरीज अगर दुनिया देख रही है तो भाई फिर लोगों को जानकारी भी होनी चाहिए। तो चलते हैं केटीएम के ऊपर और आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग ईयर और जो मंथ है वो आप लोगों ने चेक करना। तो गाइस ये आपके सामने मेरी केटीएम घड़ी है, थोड़ी मैली हुई है क्योंकि ऑलमोस्ट 10-15 दिन हो गए यार इसको चलाए हुए। सो इसके अंदर अभी हमने थोड़े ही दिन पहले नई जोड़ी डाली है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टायर्स बिल्कुल ब्रांड न्यू है। बाकी यार अगर आप बाइक देखोगे तो आप लोग बोलोगे तो उन्हें विवेक चेंजेस काफ़ी सारे कर रखे हैं। सो यार मेरी वीडियो को देखता नहीं है तो अब उसको पता कैसे चलेगा मैंने काफ़ी सारे चेंजेस मारे हैं। सो अगर मैं बोलूँ तो इसमें हमने बॉडी किट लगाई थी, इसमें हमने पावर पार्ट्स लगाए थे जैसे ये वाले पावर पार्ट्स हो गए, ये वाले सारे पावर पार्ट्स हो गए, इसके अंदर हमने एक फ़ोन होल्डर लगाया था, ये सब वीडियोस अलग अलग दी हुई हैं। इसके अंदर हमने विंगलेट लगाया था जो कि आप यहाँ देख सकते हो। इसके बाद हमने इसमें फ्रंट पे डे लाइट रनिंग LEDs जो है वो लगाई थी, और काफ़ी कुछ इसके अंदर हुआ था। टायर्स नए डले थे। तो यार काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं चैनल के ऊपर, जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार विवेक ढंग की भी वीडियोस बनाता है, सिर्फ एक ही बंदे की गांड में नहीं घुसा रहता। यार अब बात आती है टायर की। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने पीछे वाला टायर जो डाला था दैट वाज द C8, और हमने जो आगे वाला टायर डाला था दैट वाज द MRF। सो गाइज अगर आप यहाँ पे ये ध्यान से सीरियल नंबर देखोगे टायर के ऊपर, तो ये सीरियल नंबर लिखा है 1/3/2019, दिख रहा है? ध्यान से देखो दिखेगा। सो दैट मीन्स 1 तारीख 3रा महीना और 2019 का ये जो टायर है ये होता है टायर। ऐसे ही आपको टायर के ऊपर थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कहाँ पे ये सीरियल नंबर लिखे होते हैं। हर कंपनी आपको ये जो सीरियल नंबर है वो टायर के ऊपर देती है, तो इस टायर के ऊपर भी कहीं ना कहीं होगा। आगे पीछे करना पड़ेगा मुझे बट होगा ज़रूर, मैंने इस पर भी देखा था। सो ये रहा, ये 6ठे महीने का टायर है। सो 6ठा महीना 2019 दिख रहा है भाई? यहाँ थोड़ा सा नहीं दिखेगा शायद, ब्राइटनेस बढ़ा के देखें, अब दिख रहा होगा भाई। ये 6ठा 2019 का टायर है ये, और ये आप देख सकते हो कुछ ऐसा सा होता है। हर टायर के ऊपर एक डेट दी हुई होती है। तो अंदर चलते हैं और अंदर चल के बात करते हैं। तो भाई साहब अब तो शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा, मैंने प्रॉपर आपको एक डेट दिखाई है। एक टायर जो है वो मेरा 3रे महीने 2019 का है, एंड मेरे को ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए हैं, एंड एक टायर जो है वो 6ठे महीने 2019 का है। अंदाज़ा लग गया होगा मैंने जो टायर खरीदे वो सेम ईयर के खरीदे, मेरे को 2018 का मिल रहा था जो कि थोड़ा सा सस्ता था, बट मैं फालतू में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था, एंड मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जब भी आप एक यू सुपर बाइक खरीदने जाते हैं और अगर कोई आपके सामने बोलता है कि भाई ये जलजला जो है इसमें हमने टायर बिल्कुल ब्रांड न्यू लगाया है, तो उस जलजले को प्लीज ध्यान से देखें। और आप लोगों को मैं ये चीज की नसीहत देना चाहूंगा कि यार टायर्स की डेट के ऊपर ध्यान बहुत ज्यादा दें, क्योंकि अगर वो 4-5 साल पुराना टायर लगा भी दिया ना तो आप एक तरीके से अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, हाई स्पीड अगर टायर बस्ट हो गया ना, बॉडी का क्या क्या कटेगा, क्या क्या चीथड़े उड़ेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो गाइज आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, आई होप मैंने डाउट्स जो है वो क्लियर करे हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं आगे आने वाली हैं। वेट फॉर दैट, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर लें, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो टायर का झोल है, ये जो नए टायर्स दिखाए जाते हैं और इस पे झोल करा जाता है, आपको बनाया जाता है, तो उस चीज़ से बचें, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है हमेशा इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए। हमेशा जो जो चीज़ें मुझे गलत दिखेंगे मैं आप लोगों के सामने ज़रूर रखूंगा, एंड ऐसे सो कॉल्ड डीलर जो भैया हैं उनसे प्लीज़ बच के रहें, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।